हेलो फ्रेंड्स, अनुराधा दिस साइड। इस ट्यूटोरियल में हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में इनमें डिफरेंस क्या है और किन पर्पस के लिए हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज करते हैं और किन पर्पस के लिए हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया कि टेस्टिंग क्या होती है, टेस्टिंग की टाइप्स क्या होती हैं। इन ट्यूटोरियल में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेस्टिंग टेक्निक है उसमें कौन कौन से डिफरेंस है और कब किस जगह पे हम कौन सी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, हम अभी उन ट्यूटोरियल को ब्रीफली डिफाइन कर रहे हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। फ्रेंड्स, डिफरेंस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं, एक प्रोडक्ट को जब हम बनाते हैं, तो बनाते टाइम कब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है और कब व्हाइट बॉक्स। सपोज मेरे सामने एक बॉक्स पड़ा हुआ है और उस बॉक्स के ऊपर ब्लैक कपड़ा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, मतलब बस मुझे बाहर से दिख रहा है कि हाँ दिस इज द बॉक्स, मुझे इतना नहीं पता कि इस बॉक्स में क्या है, दैट इज नोन एज द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स क्या है? एक बिल्कुल ग्लास का बॉक्स जिसमें मुझे अंदर भी दिख रहा है कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, इस बॉक्स में ये रखा हुआ है, इस बॉक्स में ये रखा हुआ है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर जहाँ पे दिख रहा होता है हमें, वो होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट मीन बिल्कुल क्लियर, जिसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का भी पता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या डिफाइन करती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग टेक्निक दैट इग्नोर द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम एंड फोकस ऑन द आउटपुट जनरेटेड अगेंस्ट एनी इनपुट ऑफ द सिस्टम। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी टेस्टिंग टेक्निक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जिसमें हमें इंटरनल मैकेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। जो टेस्टर एक सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है वो सिर्फ इसके फंक्शनैलिटी को चेक करेगा कि इस बटन के क्लिक पे ये होना चाहिए, इस बटन के क्लिक पे ये होना चाहिए, लेकिन ही डोंट नो एक्चुअली अबाउट व्हाट इज द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द कोड, कि कोडिंग में क्या चल रहा है, कौन सी लूप वर्क कर रही है इसके पीछे, किस फाइल से ये डेटा आ रहा है, उसको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ अपनी फंक्शनैलिटी को ही टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द SRS रिक्वायरमेंट जो उसको SRS डॉक्यूमेंट मिला हुआ है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें इंटरनल मैकेनिज्म पता होता है, इसको हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। इंटरनल सॉफ्टवेयर एंड कोड वर्किंग शुड बी नोन फॉर द दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग। मतलब जो टेस्टर इसको टेस्ट करेगा ही शुड नो द कोडिंग पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। टेस्ट बेस्ड ऑन द कवरेज, कोड स्टेटमेंट, ब्रांचेज, पाथ, कंडीशन, लूप, जो भी हमने इसमें इफ एल्स लगाई है, जो भी हमने इसमें लूप्स लगाई हैं, टेस्टर को सब उसका पता होना चाहिए। जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है फ्रेंड्स, वो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है जब हम बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बहुत बड़ा एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइम पे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करी जाती है। अदरवाइज जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, जहाँ हम बोलते हैं मिडिल लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही करते हैं, क्योंकि जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो जो हमारे जो टेस्टर्स होते हैं वो काफी हाई लेवल के होने चाहिए, उनको एक्चुअल में जो कोड है उसका सारा का सारा पता होना चाहिए। इसमें टाइम तो लगता ही लगता है, एज वेल एज द मनी अगर हम बात करें तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, दैट आल्सो मैटर्स। नाउ व्हाट एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स, वो हम पढ़ते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड व्हिच इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने 2+2 किया तो मुझे 4 आउटपुट आना चाहिए, दैट इज माय मैटर ओनली। लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या है कि मुझे पता होना चाहिए कि इनपुट इस तरह से गई है तो कहाँ गई है, किस तरह से गई है, किन सी फाइल में गई है, किस तरह से डेटा आ रहा है, कहाँ से आउटपुट आ रही है, तो वो टेस्टर को पता होना चाहिए। सेकेंड, दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कैरीड आउट बाय द टेस्टर। Obviously, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, फंक्शनल टेस्टिंग है, तो वो टेस्टर इजिली अंडरस्टैंड करते हैं और प्रोजेक्ट गो थ्रू हो जाता है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स जो बॉक्स टेस्टिंग होती है हमारी, इस टाइप को टेस्टिंग को करने के लिए डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वो इस चीज को टेस्ट करते हैं। थर्ड, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। इसमें इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज की हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस हमें इतना पता होना चाहिए कि ये किस तरह से फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंगली चल भी रही है या नहीं, बस इतना ही।
जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज रिक्वायर्ड। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज का पूरा पता होना चाहिए, कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस फाइल से डेटा आ रहा है, कौन सी लूप चल रही है, तो वो व्हाइट बॉक्स होता है। फोर्थ पॉइंट, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। वो हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग नॉलेज की बिल्कुल भी इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाइट बॉक्स में होती है कि किस तरह से कहाँ से क्या हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट, टेस्टिंग इज एप्लीकेबल ऑन द हायर लेवल ऑफ द टेस्टिंग लाइक अ सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें क्या होता है, हमें जो इसको बोलते हैं हायर लेवल टेस्टिंग, जो हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है, ये भी बहुत फंक्शनल टेस्टिंग के अंडर आती हैं। ये क्या करती हैं, जो फंक्शनैलिटी होती है प्रोडक्ट की उसको चेक करते हैं। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, मॉड्यूलरिटी टेस्टिंग इनको बोलते हैं, क्योंकि जो डेवलपर इसको बना रहा है, जिसको कोड की प्रॉपर नॉलेज है, वो अपने एंड पे इसको यूनिट टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू चेक टेस्ट करते हैं कि जो हम बना रहे हैं वो ठीक भी बना रहे हैं या नहीं, तो वो सब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स फंक्शनल टेस्ट और एक्सटर्नल टेस्टिंग, मुझे नहीं लेना देना कि अंदर इसके क्या हो रहा है, किस तरह से काम हो रहा है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चरिंग क्या है, उसके अंदर लूप्स क्या चल रही है, वो सब पता होना चाहिए। लाइक जैसे सेवंथ पॉइंट में लिखा है, यहाँ मेंशन किया हुआ है, इन द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज प्राइमरी कंसंट्रेट ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। इसके अपोजिट ही जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें कौन सा लूप चल रहा है, कौन सा कोड स्ट्रक्चर फॉलो किया है, किस कौन सी कंडीशन चली है, कौन सी जो हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, वो सब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है। द मेन ऑफ द टेस्टिंग, जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है उसका मेन एम क्या है, फंक्शनैलिटी ठीक चलनी चाहिए बस। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसका मेन फोकस भी यही है कि जो एंड यूजर को चाहिए, जो हमें डेवलपर क्लाइंट ने बोला था बनाने के लिए, वही बनाना है। लेकिन किस तरह से वो चीज बनी है वो भी व्हाइट बॉक्स में आती है। क्या बनाया है वो तो चलेगा ही चलेगा, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म कर रहा है वो तो होगा ही होगा, लेकिन किस तरह से है वो भी इसमें मेंशन होता है। 9, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कैन बी स्टार्टेड ऑन द बेस्ड ऑन द SRS, जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। वो टेस्टर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से चलेगा, उसको वो ब्लैक बॉक्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। लेकिन जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है उसमें क्या होता है, डिटेल डिजाइन कहाँ से बनेगा, कौन सा मॉड्यूल चल रहा है, किस जो माइलस्टोन के अंदर ये चीजें चल रही हैं, वो सब व्हाइट बॉक्स में आता है। नाउ 10th पॉइंट, द फंक्शनल टेस्टिंग, बिहेवियर टेस्टिंग, क्लोज बॉक्स टेस्टिंग इज कैरीड आउट अंडर द ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, सो नो रिक्वायर्ड ऑफ द प्रोग्रामिंग नॉलेज। ऑब्वियसली बात है, बस हमें इतना पता है कि इसमें फंक्शनैलिटी कौन सी है, कैसे बिहेवियर फॉलो, कौन सी बिहेवियर टेस्टिंग फॉलो करी जा रही है, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आता है। व्हाइट बॉक्स में क्या है, कैसी टेस्टिंग, कौन से लॉजिक स्टैंडर्ड फॉलो किए गए, पाथ टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, कोड कवरेज टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग इज कैरीड आउट अंडर द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, सो देर इज नो कंपल्सरी टू नो अबाउट द प्रोग्रामिंग नॉलेज। देर इज ए कंपल्सरी, व्हाइट बॉक्स में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग नॉलेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो करा गया है इसमें। तो फ्रेंड्स, आई थिंक अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। अगर हम इन शॉर्ट एक ही लाइन में इसको डिफाइन करें, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जिसमें सिर्फ फंक्शनैलिटी के बारे में ही हम ब्रीफली डिफाइन करते हैं, हमें नहीं पता कि कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए गए हैं। इसके हम अपोजिट देखें, जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो क्या करती है कि फंक्शनैलिटी तो टेस्ट करनी ही करनी है, लेकिन साथ में कौन से कोडिंग स्टैंडर्ड यूज किए गए हैं, लूप्स यूज करी गई हैं, वो भी पता होना चाहिए। Thank you so much for watching my channel. Please don't forget to subscribe it. Thank you. Thank you so much.